अभी हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिल्लोर खुर्द में हैं और ये जनक पलटा जी मैडम यहाँ पर वैक्सीन के साथ पौधे दे रही हैं और सभी लाइन में लगे हैं अपनी अपनी बारी के लिए वैक्सीन के लिए। क्या और लिया? मेरा नाम जनक दीदी है, मेरा पूरा नाम जनक पलटा मधुबन है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरे जीवन में ना कोई सरकारी काम में काम कर रही हूँ, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी की मेंबर या किसी के लिए नहीं आई हूँ यहाँ। ये केवल मेरी खुद की इच्छा है कि हमारे देश में कोरोना का संकट आया है, कोरोना की बीमारी से कितने लोग मर गए, लेकिन हमारी सरकार ने फ्री में टीकाकरण की व्यवस्था की है और आप लोग आज ज्यादा लोग वो हैं जो बहुत जवान है और आपको बहुत लंबा टाइम जीना है, लेकिन जिसको भी जीना है वो तभी जी पाएगा अगर ऑक्सीजन होगी। और आप सभी को पता है कि दूसरी लहर के बाद ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, कम पड़ गई थी, कितने लोग जवान बूढ़े हर उम्र के लोग इस दुनिया से चले गए क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिली। ईश्वर की कृपा है कि आप लोग आज टीका लगवाने दूसरा और कोई लोग पहला लगवाने आए हैं। आपको ये पौधे हम आपकी इच्छा से दे रहे हैं, ये पौधे वो भी लोग ले जा रहे हैं जिनको जाके लगाना है। मैंने 10 जून को एक जगह फेसबुक पर लिखा कि हम लोग अपने जीवन में कुछ ऐसा सोचे कि आने वाले टाइम में ऑक्सीजन खत्म क्या हो, और हर बार तो बारिश में पानी आने से में है रस्ते में, इतनी जल्दी मत करो, थोड़ी देर में खड़े रहो, वो रस्ते में है, ये टेकरी पे वो टेकरी पे पहाड़ों के सब जगह। इस बार कोरोना के कारण साथ में नहीं जा सकते और मैं किसी को पौधे देते हुए फोटो भी नहीं खिंचाती हूँ क्योंकि मेरी उम्र तो निकल नहीं। मैं ऐसा नहीं चाहती कि किसी को मेरे से कोई परेशानी हो, तो हम लोगों ने ये सोचा कि जो लोग टीका लगवाने आते हैं उनको एक रिटर्न जाने का ये 35वां वैक्सीनेशन सेंटर है आज, तो आप इस बात की लाज रखना कि इस उम्र में आके आपको गिफ्ट पौधे मिले हैं और आपको इन पौधों का सत्कार करना है और इन पौधों को लगाना है और दूसरों को भी बताना है। पौधे काफी सारे लाए हैं। ये देखिए जनक पलटा दीदी के द्वारा ये पौधे दिए गए हैं और सभी लोगों को ये विश्वास आप दिलाते हैं कि एक एक पौधा जब बड़ा होगा और आपके घर आंगन में ये जब फल देगा, इसे पूरी सुरक्षा के साथ आप अपने घर आंगन में लगाएंगे। कहाँ लगाओगे, कहाँ ले जा रहे हो? बहन बेटियां सबको ख्याल रखना है कि आप लोग मास्क लगा के रखेंगे और थोड़ी दूरी भी बना के रखना, गले नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाना है, मुंडे नहीं लगना है, पांव नहीं छूने हैं और प्यार करना है दूर से, लेकिन ऐसा प्यार नहीं करना जो वायरस इधर से हो, ठीक है? सब लोग लगाएंगे तो लो एक बार और आप सब अपना ये मास्क लगाना, अभी ऐसा मत सोचना कि वैक्सीनेशन हो गया तो कोरोना नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी हो सकता है।